Hi, this is Sana Khan and you're watching Expose India. चंडीगढ़ से सटे पंजाब के मोहाली शहर में एक कार की डिग्गी में रखे सूटकेस से एक शख्स की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मामला शनिवार रात करीब 1 बजे का है, जहां एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने फोन करके पुलिस को सूचना दी कि 2 महिलाएं और कुछ आदमी कार की डिक्की में लाश छिपाकर ठिकाने लगाने की फिराक में हैं। इसके बाद पंजाब पुलिस ने मोहाली के फेज 3 में स्थित हाउस नंबर 116 में दबिश दी। वहां BMW कार की डिक्की से लाश बरामद की गई, लेकिन आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। मृतक की पहचान एकम ढिल्लों के रूप में हुई है। उसने 15 दिन पहले एक घर किराए पर लिया था। वो यहाँ अपने 2 बच्चों और पत्नी सीरत कौर के साथ रहता था। जानकारी के मुताबिक शनिवार की रात को सीरत कौर और एकम के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई, जिसके बाद सीरत ने रिवॉल्वर से गोली चलाकर पति को मौत के घाट उतार दिया और अपने भाई विनय प्रताप और माँ जसविंदर की सहायता से एकम की लाश को सूटकेस में पैक कर दिया। लाश भारी होने के कारण उन्हें सामने से गुजर रहे एक ऑटो चालक से मदद लेनी पड़ी। ऑटो चालक ने जब सूटकेस डिक्की में रखा तो उसके हाथों में खून लग गया, जिससे वो डर गया और उसने चुपचाप पुलिस को सूचित कर दिया, लेकिन पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। Alia Bhatt, you're watching Expose India. Keep watching.